हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा आलू, जिन्हें बनाएंगे हम कीमा भर के। तो यहाँ मैंने लिए हैं 10 आलू, आधा किलो कीमा है जो कोफ्तों का कीमा निकलवाते हैं हम बारीक, और यहाँ मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 2 प्याज। इनको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये प्याज हम काटेंगे बारीक, धनिया और हरी मिर्चें, इनको हमें बारीक काटने हैं। तो ये सबसे पहले मैं काट लेती हूँ ऊपर से आलू इस तरीके से। ये देखिए इतना सा पार्ट मैंने काटा है इसका ऊपर का। अब इसको बीच सेंटर से बिल्कुल हमें इस तरीके से इसको खाली करना है, घुमाते हुए चाकू की मदद से आलू को हम खाली करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये हमें बहुत ध्यान से खाली करना है कि ये नीचे से ना कटे आलू। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और मैंने इसके साइड के किनारे कितने छोड़े हैं इसी तरीके से छोड़ना है आपको, एक पतली लेयर। और बीच से सारे मैंने खाली कर लिए हैं, तो इसीलिए ये सब हो चुके हैं। इनकी कैप मैंने टूथपिक लगा कर रख दी है ताकि मिक्स ना हो आपस में। अब यहाँ मैं कर लेती हूँ कीमे की तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है 1 छोटा चमचा ऑयल, ये तेज़ गर्म होने देते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा ज़ीरा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने। और साथ में डाल दी है मैंने हरी मिर्चें, और ये बारीक प्याज जो मैंने देखी कितनी बारीक काटी है, इस तरीके से प्याज काटनी है। प्याज को सिर्फ हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, कोई कलर चेंज नहीं करना है इसको, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होना है। तो ये हो चुकी है सॉफ्ट। अब इसमें डाल देंगे हम कीमा, और कीमे को डालकर अच्छे से चला लेंगे इसको। ये देखिए ये भुनने लगा है। अब इसी के साथ डाल देंगे इसमें मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटे चम्मच डाली हूँ मैं यहाँ चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच डाला है मैंने धनिया, और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने डाली है हल्दी, 1/2 छोटे चम्मच डाला है नमक, इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। बिल्कुल जो इसमें पानी दिख रहा है, जो इसने की मैंने छोड़ा है, ये बिल्कुल भून लेना है हमें। तो ये देखिए ये भूनने लगा है, पानी इसका सूख चुका है। तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं हरा धनिया। हरा धनिया डालकर मैंने कर लिया है मिक्स। तो ये हो चुका है रेडी, इसको रख देती हूँ मैं एक साइड में। ये देखिए ये ऑयल छोड़ने लगा है अपना, तो इसको ठंडा होने के लिए साइड रख देते हैं। यहाँ रख लिया है मैंने बड़ा भगोना, उसके अंदर मैंने डाला है 2 से 3 चमचे ऑयल, और ये मैंने इस तरीके से प्याज काट के रखी है जैसे हम कौरमे के लिए काटते हैं, और इन्हें ब्राउन भी हमें इतना ही करना है जैसे हम कौरमे के लिए करते हैं। तो ये मैंने एक प्याज काट लिया था, ये देखिए प्याज मेरा हो चुका है ब्राउन, इसको निकाल लेते हैं साइड में। तो अब जो मैंने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था, ये प्याज जो मैंने ब्राउन की है, ये भी उसी में डाल लेंगे पेस्ट में, और एक बार फिर से इसको चला देंगे। तो ये प्याज भी मैंने कर ली है रेडी, प्याज साथ में पीस कर। तो अब इस तेल में डाल देती हूँ मैं 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, हल्का सा इसको भूनेंगे, और ये जो पेस्ट मैंने तैयार किया है ये इस पर डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे मसाले। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें पहले,
ये साबुत जो मैंने मिर्चें रखी थी वो इसमें डाल दी हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ ये 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और बहुत थोड़ा सा लिया है हल्दी, और यहाँ आधी चम्मच लिया है नमक, नमक इसमें कम होगा तो बाद में डाल लेंगे, और यहाँ आधी छोटी चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, और साथ में ले लेती हूँ मैं यहाँ मीट मसाला, 1 चम्मच लिया है मैंने वो। तो इसे मसाले में डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और इसको भुनने देते हैं, तब तक मैं इसमें आलू भर देती हूँ स्टफिंग। तो ये कीमा हमारा ठंडा हो गया है, इसको भर देती हूँ मैं 1 चम्मच की मदद से। ये देखिए जब इसको भरेंगे तो इसको अच्छी तरीके से अंदर दबा दबा कर भरें इसमें। ये देखिए छोटी चम्मच से मैंने इसको अंदर दबा दबा कर भर दिया है खूब अच्छे से। और अब जो मैंने टूथपिक लगा कर इसकी कैप रखी थी आलू के ऊपर से वो लगा देंगे, और टूथपिक पूरी नीचे तक कर देंगे जो ये आलू खुले नहीं। तो ये देखिए ये हो गया पैक, अब ये खुलेगा नहीं। तो ये कोफ्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है आलू का। ये मसाला भी मेरा भुन चुका है, सारे मैंने आलू भर लिए हैं वो। तब इसके अंदर डाल देते हैं आलू। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बनाया कीमा भरकर। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो जो मैंने इसके आलू की स्टफिंग निकाली थी अंदर से आलू भर निकाले थे, तो आप उसकी यही स्टफिंग बना सकते हैं, कीमे की जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। तो मैंने चम्मच की मदद से इनको पलट लिया है क्योंकि एक साइड से भुन गई है, दूसरी साइड से भी भून लेते हैं। तो इन्हें भुनते हुए हो चुके हैं 2 मिनट। अब इसमें डाल देती हूँ मैं पानी हल्का सा, और मैंने इसमें देखिए भी कोई चमचा वगैरह नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसको हिलाकर पानी मिक्स किया है मसाले में। इसी तरीके से मिक्स करके इसे ढककर रख देंगे तब तक कि आलू ना गल जाए। तो अब खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुके हैं, तो निकाल लेते हैं इनको। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।